बिग बॉस 13 भी हो चुका है शुरू और ग्रैंड प्रीमियर भी खत्म हो चुका है। सभी कंटेस्टेंट्स घर के अंदर एंट्री भी कर चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं दूसरे दिन बिग बॉस के घर में क्या हुआ है। कोई भी कंटेस्टेंट पूरी रात सो नहीं पाया और ना सोने का कारण है सिद्धार्थ डे के खराटे। घर वालों की आंखों में नींद साफ नजर आ रही है। जहां एक तरफ घर वाले ना सोने की वजह से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ असीम और पारस दोबारा से एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। असीम सिद्धार्थ शुक्ला को बताते हैं कि पारस और सिद्धार्थ दोनों मुझे लड़ने के लिए उकसा रहे हैं और यहाँ माहिरा असीम के शर्टलेस घूमने से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। घर वाले एक दूसरे से तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब घर के अंदर एंट्री लेती है घर की मालिकिन यानी कि अमीषा पटेल। अमीषा एक मालिकिन की तरह घर को देखती है और उसके बाद सब कंटेस्टेंट्स अमीषा का स्वागत करते हैं। अमीषा पटेल सब कंटेस्टेंट को बताती है कि हर वीक एक महिला कंटेस्टेंट को क्वीन ऑफ द बाथरूम के लिए चुना जाएगा और उसके पास कई तरह के अधिकार भी होंगे। अमीषा सब कंटेस्टेंट्स को राशन टास्क करने के लिए देती है। इस टास्क में सबको खाने का सामान उठाकर टोकरी में रखना होता है, लेकिन इसमें कंटेस्टेंट्स हाथ का इस्तेमाल ना करके बल्कि अपने मुंह से इस खाने को टोकरी में रखेंगे। बिग बॉस सबको राशन दे देते हैं और बिग बॉस के आदेश देने पर अमीषा पटेल घर से चली जाती है। अमीषा के जाते ही एक बार फिर पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ डे असीम से भिड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमीषा फिर से घर में एंट्री लेती है और इस बार अमीषा कंटेस्टेंट्स के लिए कई सारे गेम्स लेकर आती है। जब कंटेस्टेंट्स इन गेम्स को खेलेंगे तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप कंटेस्टेंट्स को इन गेम्स को खेलते देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब और यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।